दोस्तों, मैं शेफाली जैन, शेफाली एकेडमी में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट की जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ाएगा, जिसको स्पोर्ट मैन तो लेते हैं, साथ में 40+ ऐसे लेकर ओल्ड मैन तक ले सकते हैं। तो वो है हमारा एस्टोनिया वन का ब्रेन वन। जिस ब्रेन वन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखता है। ब्रेन में 86 बिलियन नर्व सेल होती है। ये बात हर किसी को नहीं पता होगी, कितनी सेल होगी, कितना कनेक्शन होगा साथ में। तो ये अपने आप को बहुत कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन है अपने आप में। तो आप देखेंगे मनुष्य जो है वो सबसे डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड में, जो सोच सकता है, समझ सकता है, याद रख सकता है। ये हार्मोन, ये ह्यूमन ब्रेन है। सो इसके अलावा आप देखेंगे, यदि इन सेल का कनेक्शन करके देखेंगे एक दूसरे के साथ, उसमें ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन है। ब्रेन एंड सेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जो पूरी बॉडी में जुड़े होते हैं। ब्रेन इज़ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के होते हुए आती है, और नर्वस सेल है जो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल में करती है। ब्रेन का काम होता है पूरी बॉडी का संचालन करना। हमारे ब्रेन को डायरेक्शन देता है, तब हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्शन देता है, तब हमारी बॉडी के पार्ट अपना वर्क करते हैं। ट्रिलियन ऑफ सेल आपके गट में पाई जाती है माइक्रोब्स के रूप में। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारी गट के लिए फ्रेंडली रहते हैं, डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी तक हेल्पफुल रहते हैं। आपके पेट का कनेक्शन सीधा आपके ब्रेन से होता है। आज के टाइम में आपको स्ट्रेस होना, गुस्सा होना, मूड स्विंग्स होना, फास्ट बिहेवियर चेंजेस होता है। सो कहीं ना कहीं जो आपका डाइट है वो ब्रेन बॉडी कनेक्शन में डे बाय डे लॉस कर रहा है। साइकेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 20 ईयर्स में। इनमें बहुत तेज़ी आई है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर परकेल्सिस है, अल्जाइमर है, जो लोग 40 ईयर्स के हैं उनको महसूस होता होगा कि जो वो सोच रहे हैं वो भूल जाते हैं। मैं क्या सोच रहा था, ये एक सिग्नल है। आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मेमोरी से स्टार्ट होते हुए फिर इम्परमेंट पे जाते हैं, फिर फंक्शन को अल्टर करते हैं। धीरे धीरे आदमी को डिसीजन लेने की पावर को वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पिछले 2 डिकेड्स से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके लीवर से डिसऑर्डर है या आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटापा या डायबिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं सीधे आपके ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आना, मेमोरी लॉस होना, फास्ट एजिंग होना, ब्रेन का सिकुड़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इनकी वजह से भी होती जा रही है। आप देखेंगे डायबिटीज़ भारत में सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा। पुअर डाइट, आसपास का खाना खा रहे हैं, बिना फाइबर वाली डाइट ले रहे हैं आप लोग, लो ऑक्सीडेंट इंटेक कर रहे हैं, प्रोबायोटिक्स फूड नहीं खा रहे हैं। आज के टाइम पे क्रॉनिक डिप्रेशन एंड स्ट्रेस है हमारे पेट के भी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपको ओवर एसिडिटी बनना, ये सरफेस कांटेक्ट टाइम को अल्टर कर देते हैं। इसकी वजह से आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा प्रेशर और आपकी मेमोरी, आपके न्यूरो डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आनी स्टार्ट होती है। हर वाइटल ऑर्गन्स पे इन्फेक्ट करना स्टार्ट करना ये करता है, क्योंकि ब्रेन ही आपका मास्टर है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन वन आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है। इसके फॉर्मुलेशन में L-theanine, क्रिप्टोफेन जैसी चीज़ें डाली गई है, जो आपके हार्मोन्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे जिंको बिलोलबा है, L-theanine है, ग्रीन टी में पाया जाता है, आपके खुशी वाले हार्मोन्स हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस एंड डिप्रेशन पे काम कर पाते हैं। इसकी वजह से गट की हेल्थ भी ठीक रहती है, और आपका इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो जाता है। ये इम्प्रूव करता है बिहेवियर और मूड को, क्योंकि आपके डाइजेशन से सीधा कनेक्शन है आपके ब्रेन का। तो स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके बिहेवियर और मूड में चेंजेस आना स्टार्ट होगा। ब्रेन वन मल्टीफंक्शनल काम करता है। ब्रेन वन क्योंकि मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं। इसके पीछे इसका साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है ब्रेन वन का। इसमें जिंको बिलोलबा एक्सट्रैक्ट है, बकोपा मोनरी जो लीफ एक्सट्रैक्ट है, DHA इसमें, अश्वगंधा है वो भी KSM वाला,
ग्लूकोटा एक्सट्रैक्ट, इसमें ट्रांस रेस्पिरेट्रोल पहली बार डाला गया है जो कि पैटेंट है। एल्थिया 9 है, इसमें एस्टाजेंथिन B6B1 है। B6 आपके मेटाबॉलिक चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड डाला गया है क्वाट्रा फॉलिक एज अ बेस्ट फॉलिक एसिड फॉर्म में है, हाइस्ट एब्जॉर्बर है, हाइस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू है। इसमें टेरोटेफिन टेरेसिन ये भी आपकी हार्मोन जो बनाने में एक तरह से हेल्प करते हैं और रिलीज करने में हेल्प करते हैं। एन एसिटाक्लोरिन है जो आपके न्यूरो मैसेंजर का काम करता है। फास्फोडाइलसीन ये एक तरह से ब्रेन बॉडी के सिग्नल को बेस्ट करने का काम करता है। ट्रांस टेरेस्टोबलिन TMG फिसिटिन एल्सिन ये भी इसमें डाला गया है। जिंक एंड कॉपर है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई जो कि BASF का लिया है, पेटेंटेड है। डी अल्फा टेकोफिया एसिटेट है इसमें। विटामिन B12 साइनोकोपाबलिन सिलेनियम ये भी एक तरह से आपके DNA को रिपेयर करने का काम करता है। और साथ में प्रोबायोटिक्स जो कि गट जैसे अन्न को अच्छे से डाइजेस्ट करने, आपको पेट से बाहर आपका जो पेट है वो बाहर निकलने में प्रोबायोटिक ही हेल्प करते हैं। यानी कि जो खाना आप खाते हो उसको अच्छे से डाइजेस्टिव करता है एंड उसको बाहर निकालने के लिए प्रोबायोटिक उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप देखेंगे ट्रांस रिजोर्ट्रोल है ये क्या करता है। ये बेसिकली ब्लड जो ब्लड फ्लो को इंटरप्ट नहीं होने देता और आपको जो आप जो खून की नलियां हैं उनको जो न्यूरोविंग होती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। तो ट्रांस रिजोर्ट्रोल आपकी खून की नलियों के हेल्प के लिए बहुत अच्छा है। तो सर्कुलेशन स्ट्रेस को कपोपा करने के लिए अश्वगंधा है। ट्रिप्टोफियोन जो है एल्थिया नाइन है ये स्ट्रेस को कम करने के लिए है। DHA है ये आपके ब्रेन की सेल को दोबारा यानी रीजनरेट करने का काम करता है। सिलेनियम जो आपके ब्रेन की जो न्यूरो सेल है उसके DNA को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक्स इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। फास्फोडाइलसीरीन ये बेसिकली जो न्यूरो में आपका दिमाग सोचता है वो आपकी बॉडी तक जल्दी पहुंचाने का काम करता है। तो ये है एस्टोनिया 1 का ब्रेन 1 जो हमारे दिमाग पे काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल है। और ये था हमारा ब्रेन 1 किस तरह से ये काम करता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं इसके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया है। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए।